के भी जीत गई है प्रियंका चहर चौधरी और जीत के भी हार चुके हैं एमसी स्टैन। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि भाई जनता का क्या कहना है। सोशल मीडिया पर अभी तक काफी ज्यादा तहलका मच रहा है जिसकी लगातार अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को अपडेट से जान के काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा और आपका थोड़ा बहुत गुस्सा जो है हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए उतर भी रहा होगा। आप अपने जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस ये सब चीजें हुई हैं। प्रियंका ने लोगों का दिल जीता और एमसी स्टैन ने जो है वोट ली और वोट के कारण वो बिग बॉस 16 के विजेता बन गए। उनकी तो ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर, कंग्रेचुलेशन एमसी स्टैन। और जो कि एक टैग भी जो है घंटा भी वायरल नहीं हो रहा, घंटा भी जो है ट्रेंड नहीं हो रहा। वहीं पर प्रियंका और शिव ठाकरे जो है चर्चा में छाए हुए हैं। लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर जो है प्रियंका और शिव ठाकरे के लिए जाग उठा है, जहां पर प्रियंका वॉन फॉर लाइफ ये टैग जो है वो ट्रेंड हो रहा है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी इस टैग के ऊपर कितने ट्वीट्स हुए हैं आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और शिव ठाकरे के लिए भी एक टैग जो है वो ट्रेंड करवाया जा रहा है, वी लव शिव फॉर एवर। तो इसके ऊपर भी कितने टैग हुए हैं जरूर बताइए। तो लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है इन दोनों के लिए है और इन दोनों के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इवन अगर देखा जाए तो प्रियंका और शिव ठाकरे फैंस काफी ज्यादा आपस में मिल चुके हैं, जो कि पूरा सीजन अलग अलग थे। अभी ये सब लोग जो है काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर प्रियंका जीतती तो कोई बात नहीं, अगर शिव जीतता तो कोई बात नहीं, पर एमसी स्टैन कैसे जीत गया भाई, कैसे जीत गया, इस बंदे ने कुछ नहीं किया। तो यही एक बात जो है बार बार कैसे 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 ये आ रहा है मन में। हालांकि बिग बॉस ने अपनी धज्जियां तो उड़वा दी है और पता नहीं कितने सीजन अपनी और धज्जियां उड़वाएंगे। इनका तो दिन साल पर साल जो है और भी ज्यादा बायस्ड जो है ये होते हुए जा रहे हैं मेकर्स। मेकर्स बड़े गंदे हैं मुझे लगता है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।